सर शायद ऐसा हो कि सबको लगे कि मिशन फेल हो गया, बस आप इतना याद रखना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। खास होगा अक्षय कुमार की बेल बॉटम को देखने का एक्सपीरियंस, 3D में भी होगी रिलीज। पिछले काफी समय से बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म बेल बॉटम के रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा है। फाइनली मेकर्स ने इसके रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। ये फिल्म आने वाले 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस दर्शकों के लिए और खास होने जा रहा है। मेकर्स ने घोषणा की है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में केवल 2D नहीं बल्कि 3D में भी रिलीज होने जा रही है। अक्षय कुमार ने भी इस खबर को शेयर करते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, 19 अगस्त को पूरी फील के साथ थ्रिल एक्सपीरियंस करना, बेल बॉटम 3D में भी आ रही है। देखें अक्षय का वीडियो। Go, bell bottoms. Go, bell bottoms. बता दें कि बेल बॉटम में अक्षय कुमार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। रंजीत तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार ने दिया फैंस को तोहफा, जाने कब रिलीज होगा बेल बॉटम का ट्रेलर। बॉलीवुड के खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म बेल बॉटम में नजर आएंगे। एक और जहां फिल्म के ट्रेलर रिलीज की डेट सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर अक्षय ने फिल्म के साथ ही फैंस को एक बड़ा तोहफा भी दिया है। दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर 3 अगस्त को रिलीज होगा। अक्षय ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, शार्प मेमोरी, राष्ट्रीय स्तर का चेस प्लेयर, गाना सिखाता है, हिंदी इंग्लिश जर्मन बोल लेता है, बाकी बताएंगे ट्रेलर के साथ। इसके आगे कैप्शन में अक्षय ने बताया कि 3 अगस्त की शाम को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। बता दें कि अक्षय कुमार की ये फिल्म सिर्फ 2D ही नहीं बल्कि 3D फॉर्मेट में भी रिलीज होगी। इस बात की जानकारी भी अक्षय ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। अक्षय ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 19 अगस्त को पूरी फील के साथ थ्रिल एक्सपीरियंस करना, बेल बॉटम 3D में भी। अक्षय के फैंस इस खबर से काफी खुश हैं और उनके लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। याद दिला दें कि फिल्म में अक्षय के साथ वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी भी अहम भूमिकाओं में होंगी। गौरतलब है कि एक और अक्षय जहां कुछ वक्त पहले तक फिल्म राम सेतु के शूट में बिजी थे, तो दूसरी ओर वो फिल्म अतरंगी रे का शूट पूरा कर चुके हैं। अतरंगी रे में उनके साथ सारा अली खान और धनुष नजर आएंगे। इसके अलावा अक्षय के सूर्यवंशी भी रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन कोविड के चलते इसकी रिलीज फंसी है। इन सभी फिल्मों के साथ अक्षय कुमार के पास पृथ्वीराज, रक्षाबंधन और बच्चन पांडे भी है।